हेलो एवरीवन, गुड मर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई च्यानल वन्स अगेन। अन्तखेरि तपाईँहरूको चाहिँ मेरो च्यानलमा फर्स्ट टाइम हो भने चाहिँ मेरो नाम चाहिँ शिरफ तामाङ है। आज का ब्लग थोड़ा डिफरेंट होने वाला है और मैं आज ब्लॉगिंग भी हिंदी में करूँगा, थोड़ा थोड़ा खत्म, थोड़ा हिंदी, थोड़ा नेपाली और थोड़ा थोड़ा बीच में इंग्लिश भी करूँगा। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं आपको दिखाते हैं। आर यू रेडी? छोड़े लेट्स गो। हम लोग उधर एक जगह में जा रहे हैं। मेरा हिंदी उतना अच्छा भी नहीं है पर थोड़ा थोड़ा बोल लेता हूँ। और यहाँ पे मैं गिटार भी ले जा रहा हूँ। आज हम लोग तीन लोग जा रहे हैं, मैं, ये बहन छोड़ेन और हमारा भाई जा रहे हैं ऊपर। आज थोड़ा डिफरेंट 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 कुछ प्लान किया था। आज सुबह ना दिन अच्छा हुआ था, फिर भी अभी धूप थोड़ा चला गया है और इधर फॉगी फॉगी आ गया है। देखिए आप देख सकते हैं इधर। तो फिर आप लोग को वहाँ डेस्टिनेशन के और जाते हुए मिलते हैं। A few moments later. और हम लोग यहाँ पे जाने के लिए रेडी हो गए हैं। अभी दिन भी थोड़ा खुला हो गया है, इधर थोड़ा सा धूप दिखाई दे रहा है। छोड़े ना, हम लोग किधर जा रहे हैं? पिकनिक के लिए जा रहे हैं। पिकनिक तो नहीं, थोड़ा सा पिकनिक जैसा ही हम जा रहे हैं। और यहाँ पे हमारा छोटी सी नैन्सी भी है इधर, ये भी हमारे साथ जा रही है। नैन्सी, आज का प्लान तो थोड़ा डिफरेंट था, व्लॉगिंग दूसरी कुछ आप सबको दूसरा तरीका का दिखाना चाहता था पर दिन के वजह से नहीं हो पाएगा शायद, पर कोई नहीं, आप लोग देख सकेंगे। अभी भी दिन थोड़ा खुला खुला ही है और हमारे पास ये बैकअप भी है, ये टेंट भी। अभी हम स्पॉट में जाके ये लगाएंगे। हम अभी ऊपर जा रहे हैं। ऊपर कहाँ, नानी माँ के घर, नानी माँ हमारे आशिम के घर जा रहे हैं, वहाँ से भाई को लेकर भी जाएंगे। तो फिर मिलते हैं आप लोग को ऊपर। A few moments later. आई बंद हो, अफसोस यहाँ पे हमारा भाई नहीं है। किधर गया है हमारा भाई? वो बाल काटने के लिए गया है। तो मैंने आई को बोल दिया है कि छोगेल को वहाँ पर भेज देना। हाँ हाँ ठीक है, बाय बाय भाजू। हमी ये सब विदेश को नेपालपट्टि, अब एक दुई दिन भिसा लाखले लाग्छ। हम लोग का आज का जंगल एडवेंचर यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा एडवेंचर करेंगे हम लोग, यहाँ पूरा जंगली जंगल है। डेमो ही दिखाया बस। हम लोग टेंट लगाएंगे और घर बसाएंगे। हाँ, घर संसार बसाएंगे। नैन्सी भी बहुत एक्साइटेड है। हाँ, ये बहुत एक्साइटेड होती है, इसको ना इधर उधर नहीं ले जाते, इसीलिए हम लोग का डेस्टिनेशन उधर नहीं पड़े, उधर नहीं देख सकते। किधर है? वहाँ पे जाके हम लोग टेंट बसाएंगे। अच्छा नैन्सी, थक गलुल, थक गई है तो। और वहाँ नैन्सी, नैन्सी वहाँ पे सुसु कर रही है और वो गाय देख रहा है उधर। छक्के पर के देख रहा है। इधर इधर मेरे लिए भी रुको। जुन सिन पो हेर्नुपर्छ होला भनेको त है।
We are finally here now at the destination. You can check this out, guys. यहाँ पे हम लोग कैंपिंग करेंगे. कैंपिंग तो नहीं ऐसे, यहाँ पे थोड़ा इंजॉय करने वाले. और आपको मैं आज कैमरा भी लेके आया हूँ. और कैमरा में क्या है, उसका वाइड एंगल लेंस नहीं है ना अभी मेरे पास, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है कैमरा से व्लॉग करना. इसलिए मैं मेरे फ़ोन से ही करता हूँ व्लॉग. आज दिन खुला रहेगा तो आपको कैमरा से भी दिखाऊंगा मैं. फाइनली यहाँ पे पहुँच गए. हम लोग का खाना भी लेके आया है यहाँ पे. खाना तो नहीं, स्नैक्स है. यहाँ पे देख सकते हैं फिर ये कोरा ही कोरा आ गया. ये कोरा हम लोग का जगह में कुछ भी नहीं करने देता है, ना ही लुगा सूखने दे, ना ही कपड़ा को सूखने देता है. यहाँ पे देख सकते हैं इधर इंची. तो फिर अभी मैं यहाँ पे कैंप लगाऊंगा इस जगह में. ये जगह तो साफ ही है, यहाँ पे कैंप लगाता हूँ तो आप लोग भी देखिए. यहाँ पे फोन रख देता हूँ मैं. A few moments later. 2000 years later. 1 eternity later. ऐसे खुलता है. How's the feel? The feel is really good. हम लोग यहाँ पे सिर्फ enjoy करने आए थे, पर मैंने सोचा थोड़ा vlog ही क्यों नहीं बना लूँ. यहाँ पे देख सकते हैं पसीना ही पसीना छुटा दिया है टेंट में. टेंट लगाते यहाँ पे देख सकते हैं हमारा टेंट भी रेडी है. यहाँ ऊपर मस्त है और यहाँ का नज़ारा गाइस बहुत ही अच्छा है. देख सकते हैं गाइस हम लोग का यहाँ पे ये टेंट रेडी हो चुका है. वो छोटे भी अंदर घुस गई है. हम लोग का सामान वामान इधर है. यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पीनी भी है. ओ सॉरी. तो फिर अब हम लोग ने यहाँ पे खाना पीना भी लाया है थोड़ा. और यहाँ पे हम लोग खाद झालमुरी खाएंगे, झालमुरी बनाएंगे. तो आप लोग भी देखना हम लोग यहाँ पे झालमुरी बनाएंगे. यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ गिटार बहुत दिन के लिए नहीं बजाया ना, इसलिए यहाँ पे भी वो क्या बोलते हैं डूरी, नेपाली में हम लोग इसको डूरी बोलते हैं, हिंदी में इसका पता नहीं, पर इंग्लिश में इसको क्या फंगस बोलते हमारी बहन वो झालमुरी बना रही है, पका रही है. तभी तक मैं आपको यहाँ का लोकप्रिय गाना एक
हम लोग के नेपाली में बहुत लोकप्रिय गाना है ये, इसलिए मैं आप लोग को ये शेयर करना चाहता हूँ, शेयर नहीं गा के सुनाना चाहता हूँ। और ये कौन सा पिक्चर का है ये तो मुझे नहीं पता, पर इसको हमारे आशा भोसले जी और सुर सम्राट नारायण गोपाल जी ने गाया था। ये बेसिकली नेपाली फिल्म से है, तो आप लोग सुनिए, इंजॉय कीजिए। मेरा वो वॉइस तो उतना अच्छा तो नहीं हो नहीं है, फिर भी आपके लिए ट्राई करूँगा। मोहनी लगला है नौद को बोलीले डाँडा काँडा छहराको गीतले नगर अल्झेरा बगर बिर्सनेलाई सम्झनाको गीतले बिर्सनेलाई सम्झनाको गीतले सिङ विथ मी जोइन मोहनी लाग्ला है गाउँलेको बोलीले डाँडा काँडा छहराको गीतले अल्झेरा बगर भुलेर किनेर नाच्न गाउन लाग्यो र हो नाच्न गाउन लाग्यो र कुन सन्जोक होला कुन दैव होला भेट्दयो मगर कुन गाउँ होला कुन ठाउँ होला बस्ने कुन सहर कुन सन्जोक होला कुन दैव होला भेट्दयो मगर झलमाला होला जुन ठाउँ होला काठमाडौँ सहर मोहनी लाग्ला है गाउँलेको बोलीले डाँडा काँडा छहराको गीतले। यहाँ पे गाने में बहुत सारा मुश्किल घड़ी आई हम लोग को, बहुत मुश्किल पड़ा यहाँ पे गाने में। कभी ये फ़ोन ट्राइपॉड के साथ गिरा देता था, इसलिए थोड़ा थोड़ा कट करके डालना पड़ा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये गीत गाना। ये कौन कौन लोगों का ये फेवरेट गीत है आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं दिन भी थोड़ा खिल उठा है। यहाँ पे छोकर तो आ रहा है, यहाँ पे देखिए ये दिन थोड़ा सा खुल गया है और यहाँ पे धूप का दर्शन हो रहा है आज हम लोग को, और बहुत ही मज़ा आ रहा है। और आप लोगों को मैं ऐसे ही थोड़ा थोड़ा गाना सुनाऊंगा मेरा, क्योंकि मुझे गिटार बजाना और गाना थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है। ऑल दो माई वॉइस इज़ नॉट दैट ग्रेट बट ऑल्सो आई ट्राई है ना, इट्स माई हॉबी टू प्ले गिटार एंड सिंग। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, थोड़ा कमेंट कर दीजिए, हमको भी थोड़ा माया दिखा दीजिए। वहाँ पे आंटी लोग जा रही है उधर, बहुत ही गर्मी हो गया ना छोटे इधर, बहुत हॉट हो गया ये टेंट, मेरे हॉटनेस की वजह से यहाँ पे बहुत गर्मी हो चुका है। यहाँ पे छोड़े ना, अब यहाँ पे क्या काट रही है तू? ये प्याज काट रही है और यहाँ पे ये सूंघ रहा है इधर, सूंघ रही है इधर। ये भी थोड़ा मेहंदी हो गई, इधर उधर दौड़ रही थी ना, इसीलिए यहाँ पे घास पे बहुत पानी पानी था, इसीलिए इसको आता तो नहीं है बनाना उतना अच्छा। कि अच्छा बनाती है तू, अच्छा ही बनाती है ना। नैन्सी इधर आ, अंदर आ। ब्लॉग हमने हिंदी में किया था इसीलिए सॉरी फॉर माई मिस्टेक्स है। ओके, उतना प्रोफेशनल तो हिंदी नहीं बोल सकता, पर फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग का थोड़ा मदर टंग का एक्सेंट थोड़ा आ जाता है इसीलिए। और यहाँ पे हम लोग का भाई लोग यहाँ पे टेंट के अंदर आ चुका है, और ये मुस्कुरा रहा है। छोड़ेन तामुंग ने यहाँ पे, यहाँ ये आर्ट है यहाँ का, ये बर्तन नहीं लाई ना ये लड़की, इसीलिए हम लोग को यहाँ इसी पे डाल के खाना पड़ता है। मिक्स करना, ये आर्ट है और ये है आर्टिस्ट। और यहाँ पे हमारी पीनी बहन भी बैठ रही है, इसको थोड़ा गर्मी लग रहा है आज। बाहर तो दिन देखिए अंधेरा हो रहा है, अब हम लोग यहीं पे सोएंगे ठीक है। जूस पियोगे तुम लोग? जूस पियो ना, ये आधा आधा पियो। हाँ तुम दोनों यहाँ पे दिन देख सकते हैं, बाहर ऐसा होता रहता है हम लोग का दिन। ये टेंट गर्म हो गया ना इसलिए,
टेंट गर्म। यहाँ पे अभी थोड़ा दिन खुल गया था, कैमरा में उतना नहीं दिखता है, पर यहाँ पे देखिए फिर से ये दिन ऐसा हो गया। ये कोहरा कहाँ से आता है पता ही नहीं लगता। अभी मॉनसून में तो ऐसा ही रहेगा, हम लोग के इधर दिन में तो इधर उधर भी नहीं जा पा रहा हूँ, इसलिए अभी घर में ही लॉक कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे अंदर सब लोग बैठे हुए हैं। आज बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत दिन के बाद इधर आके कुछ खा रहे हैं इधर डांडा में, तो मज़ा आ रहा है। तो फिर मैं यहाँ पे इसका झालमुरी टेस्ट करके बताऊँगा कैसा बनाया है हमारी बहन ने। हाथ भी धोया है मैंने थोड़ा थोड़ा उधर, अभी बाहर जाके धो के आया हूँ हाथ। वाओ, ये मुस्कुरा रही है इधर, इसका नाक कितना बड़ा हो गया। मैंने इसका तारीफ किया ना अभी, इसीलिए। तुम लोग ने खाया झालमुरी? खाओ ना, लजा रहा है। क्यों नहीं खाया है? खाओ, शर्म मान रहा है। खाओ, यहाँ पे कैसा लग रहा है रिव्यू दो थोड़े नाना को, कैसा है? अनुराग भी खाओ ना। अनुराग क्यों शर्मा रहे वो? तो फिर गाइस हम लोग को थोड़ा भूख भी लग रहा है, तो हम लोग यहाँ पे खाएंगे। तो फिर हम लोग यहाँ पे खा के पी के मिलेंगे, ठीक है? बाय बाय गाइस बोल दे, बाय बाद में मिलेंगे। हाँ ये कर लो, पहले बड़े लोग हैं पहले ऐसे करते होंगे। A little goodbye maybe or just a passing smile. Can somebody hear me? I'm screaming from so far away. Morning, who will tell you now the evening is eclipsed again? Will this life get any better? More yesterdays than today. गाइस अभी हम लोग का जाने का वक्त हो रहा है, अभी थोड़ी और देर रुकते तो बहुत मज़ा आता है, पर अभी फिलहाल हम लोग को जाना है, घर में भी कोई नहीं है। फिर रोहिणी यदि काम कर रही है वो, तो इसीलिए जाना पड़ेगा। अभी टाइम कितना हुआ है? 12:45 हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं। अभी इसको क्लीनिंग भी करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, हम लोग ने अभी सब कुछ फिर से यहाँ पे समेट के यहाँ पे अपना बोरी बिस्तर टेंट वेंट सब कुछ डाल दिया है अंदर, और हम लोग घर के लिए रवाना होने के लिए रेडी है। देख सकते हैं अभी दिन भी खुल गया है, ये आसमान भी नीला नीला हो गया इधर, पर क्या करें अब घर तो जाना ही होगा। फिर से मिलेंगे हम किसी ऐसे ही एडवेंचरस तो क्या, ऐसे ही टेंट लगा के कहीं पे हम लोग अभी फिर से हम लोग ऐसा वाला व्लॉग बनाएंगे। अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोग ने जो मेला किया था वो सब कुछ हमने समेट कर यहाँ पे ले जा रहे हैं। देख सकते छोरन के पास है, हम लोग ने ये मेला सब कुछ यहाँ पे डाल दिया है, तो घर पे लेके हम लोग डंप करेंगे डस्टबिन में, क्योंकि इतना अच्छा प्लेस है, तो ऐसे प्लेस को तो हम लोग वो नहीं कर सकते ना पॉल्यूट। और यहाँ पे प्लास्टिक वास्टिक फेंक के
इसका सुंदरता तो नहीं बिगाड़ेंगे। और आप लोग को भी बोलना चाहता हूँ कि आप लोग जहाँ भी जाएंगे, आप लोग का वो वेस्ट वगैरह कहीं डस्टबिन मिले तो वहाँ पे डाल दीजिएगा। ओके भाई, गाड़ी देख रहे हैं यहाँ पे, ये नेपाल का गाड़ी है। कता जानु भाई तपाईहरु? नेपाल का गाड़ी जा रहा है, इधर देख सकते हैं यहाँ ऊपर वाला रोड से आया था, ये वाला रोड से। और हम लोग अभी घर जा रहे हैं। रुक छोटे ना, अभी छोटे ना, आज कैसा लगा तुमको? मुझे बहुत मजा आया। आज बहुत मेमोरेबल होगा ना ये दिन। यहाँ पे देखिए हम लोग का इतना सामान है। वो कैमरा किधर है? कैमरा कह रही क्या? ओके, यहाँ पे नेम से भी जा रहा है हम लोग के साथ। इसे भी आज बहुत मज़ा आया होगा। इसको गर्मी में उतना होने ना पानी नहीं है ना, इसीलिए इसको बहुत गर्मी लग रहा है यहाँ। देख सकते हैं कितना अच्छा दिन हो गया आज, कितना सुहाना हो गया दिन। और यहाँ पे आंटी लोग देख के चाह रही थी, सोच रहा था ये क्या बोल रहा है ये लड़का हिंदी में, इसीलिए पलट पलट के देख रहा था मुझको। और उधर वहाँ पे भाई आ रहा है उसके घोड़े के साथ। कहाँ से आ रहा है भाई तू? अभी कहाँ से आ रहा है? अभी पशुपति जाके आ रहा है। ये सामान लेके गया था ना सुबह पशुपति? कहे आई बोल दे ब्लॉग में। अभी धूप भी खिला खिला हुआ है और हवा भी बहुत अच्छी तरह से आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है आज। आज तो दिन अच्छा हुआ ना छोटे। ये नैन्सी क्या ढूंढती रहती है इसको, यहाँ पे सोना मिलेगा ऐसे लगता है मुझे, कितना सूंघना है इसको। और फिर हम लोग घर जाके मिलेंगे आपसे। हाँ आमीन। क्या कर रही हो आप? हम लोग डांडा जाके आ रहे हैं। यहाँ पे लक्की, यहाँ पे आमीन सो रही है, हमारी आमीन। आमीन का मतलब बड़ी आमा, यहाँ पे सो रही है। जो रहा है आमीन, आमीन को यहाँ पे बुखार हो गया है। ठीक है आमीन, फिर मिलते हैं। A few moments later. और फ्लावर्स ल बाय 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 भन्दै उ अला म हाल्छु ब्लगमा। अब म हिन्दीमा कस्तो अब फुर्के हुन्छ नि त मैले। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे फूल कितना अच्छा फूल है। क्या फूल है छोड़े ने पता है तुमको? कितना अच्छा है ना गाइस ये फूल, यहीं पे फूलता है रहता है ये फूल। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट टाइम था व्लॉग में हिंदी हिंदी में। और सॉरी कोई मिस्टेक हो गया हो तो, हिंदी इतना अच्छे से नहीं आता ना उन लोग को। तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके, तो मिलते हैं फिर दूसरे व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ। बाय बाय गाइस, बाय बाय।